जम्मू में अभी भी लड़कियों को बहुत मतलब बहुत आगे नहीं आ पा रहे हैं, अभी भी सोचते हैं कि लड़की बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ से वो निकल के इतने बड़ी काम कर रहे हैं, ऊपर से बच्चे को सिखा भी रहे हैं, तो ये सही में बहुत एक बड़ी बात है। और उसमें उसको देख के तो मतलब बहुत कुछ सभी सीख सकते हैं कि कैसे हम लोगों के हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम वुमेन को आगे बढ़ाने में काम कर सकता है जी। मैं हमेशा यही कहूँगी लड़कियों से कि लड़की कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं आपको अच्छे प्लेटफॉर्म से मिलेंगे, पहले आपको हमेशा बिगड़े हुए ख़राब प्लेटफॉर्म से यानी मुसीबतों से प्रॉब्लम से फेस करना होगा, उनसे स्टार्ट करना होगा, तभी आगे जाकर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। जो यंग बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, वो लोग इतना ज़्यादा मतलब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ज़माने में इतने सब कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आने वाले हमारा जो फ्यूचर होगा बहुत ही अच्छा होगा। लवलीना मैम इज इंस्पिरेशनल वुमेन टू ऑल ऑफ अस, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है हमारे देश के लिए, ओलंपिक मेडल आया है, और मेरे ख्याल से हर बच्चा उनसे कुछ ना कुछ सीख सकता है। आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी किसी ना किसी बच्चे से इंस्पिरेशन ली, और अगर मेरी वजह से कोई भी बच्चा इंस्पायर होगा तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और आई वुड लाइक टू थैंक बायजूस एंड न्यूज़ 18 फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ द यंग जूनियर्स शो, क्योंकि मेरे ख्याल से हम अगर अपने इंडियन जनरेशन की बात करें, यूथ की बात करें, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, बट दे ओनली नीड द मोटिवेशन एंड द राइट गाइडेंस जो इस शो के थ्रू ज़रूर मिल सकती है। सभी को गुड लक बोलती हूँ कि आप लोग ज़रूर हमारे इंडिया को एक ड्रीम इंडिया बना लोगे।